हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास अभी दो तीन बार ये रिक्वेस्ट भी आ चुकी थी और मैं सोच भी रहा था बनाने के लिए। मुझसे ये बोला था कि हैज हैव हैड, इनके जो यूज है वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं और एक्चुअल में करते भी हैं, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं और कई जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो आज मैंने मैं हमेशा यही चीज करता हूँ कि जब भी मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर कोई अलग से वीडियो बनाता हूँ तो मैं वीडियो बनाने से पहले उसके बारे में दो तीन वीडियोस देखता हूं पहले, जो कि सबसे ज्यादा व्यूज लेकर हैं या फिर जो सबसे टॉप में आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसी वीडियो बनानी होती है जो चीजें ना बताई गई हैं या फिर अलग तरीके से बताई गई हैं, मुझे वो चीजें अपने तरीके से रखनी है ताकि आपको मेरी वीडियो में कुछ अलग मिले। ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज देखूं ना कि क्या चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, क्या चीजें बताई गई हैं, और मैं अपनी तरफ से वीडियो बना दूं और उसमें एज इट इज सेम टू सेम वही चीजें हों जो आपको पहले से ही पता है, तो ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक है, तब आपको समझ में नहीं आएगा और मेरी वीडियो किसी काम की ही नहीं होगी। तो इस चक्कर में मैंने देखा चीज़ें हैं, बताई गई हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो अलग है। उस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, थोड़ा और आपको इजी बना के मैं आज इस वीडियो में रखने वाला हूँ। पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे और मैं आपको जितने यूजेस हैं मैं आपको वो सब बताऊंगा, और वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। स्किप करोगे बीच में, छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं वो शायद आपसे मिस हो जाए। थोड़ी देर की ही वीडियो होगी, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा और आप अपने नोट करते हुए चलिए जो जो आपको चीजें ठीक लगती हैं। तो पहला हम पॉइंट पकड़ते हैं कि हैज हैव हैड, इनके जो यूज है उसमें हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है ना, पहला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में, ठीक है, कि उसमें हैज और हैव का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ और उसका असर अभी भी है, पास्ट में काम हुआ लेकिन असर अभी भी है, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होता है। मेरे पास जैसे कमेंट आया कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैंने बना रखी है, अपलोड की हुई है। तो मैंने जो वो अपलोड की है वीडियो, वो मैंने शायद एक महीना दो महीना पहले की होगी, लेकिन उसका असर अभी भी है। क्या असर है? कि वीडियो है चैनल पर मेरे, वो चीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, अपलोड हुई हुई है। तो ये जो सेंटेंस हुआ कि मैंने पास्ट में एक एक्शन किया और उसका असर अभी भी है, या फिर पास्ट में कोई चीज हुई जिसका असर अभी भी है, तो वो चीजें आपकी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में आती है। जो आपके प्लूरल है आई वी यू दे, इनके साथ आपका हैव लगेगा, और ही शी इट इनके साथ हैज लगेगा। एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी, और इस सेंटेंस में आपको मोस्टली एंड में या है, जी है, ये है, आ है, ई है, वो वाला सेंस, और चुका है, चुकी है, ये सेंस मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने अगर आपको बोलूं कि मैं मेरे घर पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं उसके पास आया और मैंने बोला भाई पानी लेकर आओ, और उसने बोला नहीं 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 मैंने पानी पी लिया है। तो मतलब पानी उसने मेरे आने से पहले पिया है, मतलब पानी उसने 10 मिनट पहले पिया होगा, 5 मिनट पहले पिया होगा, लेकिन उसका असर अभी भी है। क्या असर है? कि उसका प्यास नहीं लग रही, उसकी प्यास बुझ चुकी है। सो मतलब आई हैव ऑलरेडी टेकन वाटर, ठीक है, तो वो ये बोलेगा आई हैव ऑलरेडी टेकन वाटर, ठीक है, आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है, मतलब अब मुझे भूख नहीं है, पास्ट में वो चीज़ हुई उसका असर अभी भी है, ठीक है। ऐसे अब मान लो आपको कहीं जाना है, आप कहीं पहुंचे हो, आपने मुझे बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, 2 घंटे बाद मैंने आपको फोन किया कि भाई वेयर आर यू, कहां हो तुम, और आपने बोला कि मैं पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड, ठीक है, आई हैव रीच्ड दिल्ली। तो जब आपने बोला आई हैव रीच्ड, तो हो सकता है कि 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले पहुंचे हो, लेकिन आपने बोला आई हैव रीच्ड, तो मैं समझ गया कि ये पहुंच चुका है, मतलब उस चीज का असर है कि अभी आप दिल्ली के अंदर हो, ठीक है। मैं किसी और को बताऊं कि वो पहुंच चुका है, सो ही हैज रीच्ड आ जाएगा कि वो पहुंच चुका है, सो ही के साथ हैज लगेगा, और एक्शन की थर्ड फॉर्म ही आएगी दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। सो आप ऐसे कोई सेंटेंस सोचो कि जो आपने पहले ही काम कर लिए और उसका असर अभी भी है, जैसे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ कुछ, और कोई आया और उसने मतलब मम्मी आई, कोई भी आया, उन्होंने मुझे बोला भाई नहा लो, और मैं बोलूँ कि आई हैव ऑलरेडी टेकन अ बाथ, मतलब मैं नहा चुका हूँ, मैं नहा लिया हूँ, तो मैं आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले सुबह नहाया हूँ, लेकिन उसका असर है,
ठीक है, आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, तो वो चीज मतलब मेरा काम अब मुझे नहीं करना, उसका इम्पैक्ट है, उसका असर है। सो ये सेंटेंसेस होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट के, और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हैज हैव का यूज और थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, एक तो यूज ये हुआ। अब देखो मैं आपको सेकेंड यूज बताता हूं। सेकेंड यूज आप ये मान के चलो कि हैज हैव का यूज सिंस और फॉर के साथ होता है, सिंस और फॉर के साथ होता है। अब सिंस और फॉर के साथ क्या यूज होता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक तो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे आता है, और एक टाइम दिया हुआ होता है। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है कि कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है। मानो अगर मैंने ये चीज बोली कि अपने दोस्त को मैंने फोन किया और मैंने उसको बोला कि वेयर आर यू, आई एम वेटिंग। तो जब मैंने बोला आई एम वेटिंग, ये आपका सेंटेंस बना कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर मुझे वहां पे टाइम मेंशन कर देना है, मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट सॉरी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो जब मैंने बोला कि मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, हैज बीन हैव बीन लगेगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, और टाइम के लिए सिंस या फॉर। तो कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। तो मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसी के अंदर अगर मान लो मैंने 2 घंटे मुझे मेंशन नहीं करने हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बोला आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू वेयर आर यू, तो मतलब कोई चीज होती हुई आ रही है, कोई चीज मैं करता हुआ आ रहा हूं, तो कोई चीज होती हुई आ रही है, करता हुआ आ रहा हूं, चाहे टाइम मेंशन ना हो, तब भी आपका हैज बीन हैव बीन लगेगा। ठीक है, मैं अगर इतना बोलू ना कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो अगला बंदा समझ जाएगा कि ये अब इंतजार नहीं कर रहा है, ये काफी देर से इंतजार कर रहा है, ये इंतजार करता हुआ आ रहा है। आई हैव बीन टॉलरेटिंग यू, कि मैं तुमको बर्दाश्त कर रहा हूं, मतलब अभी नहीं। ठीक है, एक तो है कि मैं किसी से पहली बार मिला, तो वहां तो मैं ये चीज बोल लूंगा कि आई एम टॉलरेटिंग यू, कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा अगर मैं किसी इंसान से कई बार मिल चुका हूं और तब मैंने उसको बोला कि आई हैव बीन टॉलरेटिंग यू, तो वो समझ जाएगा कि मतलब जब से हम मिल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से ये मुझे बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंस आपको समझ में आया। दूसरा इसी के अंदर सेंस है कि मतलब मैंने रहा है रहिए वाली बात नहीं करी है, सिर्फ एक कुछ टाइम की बात की है। कि जैसे मैं बोलूं, एक सेंटेंस आया था अभी कल परसों, में एक वीडियो बना रहा था सबटाइटल वाली, उसके अंदर एक सेंटेंस आया था कि हम हाई स्कूल से दोस्त हैं। ठीक है, हम हाई स्कूल से दोस्त हैं, सो इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूंगा कि हम हाई स्कूल से दोस्त हैं, मतलब हम हाई स्कूल से दोस्त रहे हैं, एक वो सेंस आ जाएगा। ये बोलेंगे तो हम ऐसे ही कि हम दोनों की दोस्ती हाई स्कूल से है, हम हाई स्कूल से दोस्त रहे हैं, तो ये वही वाला सेंटेंस आएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है कि आईएनजी किस में लगाओगे, वो चीज नहीं है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वी हैव बीन फ्रेंड्स, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स सिंस हाई स्कूल, सो वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, बस यहां पे टाइम नहीं आया, जैसे मैंने बोला ना आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन टॉलरेटिंग, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने एक्शन दिया कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, यहां पे मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि हम दोस्त रहे हैं, सो वी हैव बीन फ्रेंड्स, वी हैव बीन फ्रेंड्स, फिर टाइम लगा दिया सिंस हाई स्कूल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइम पहले सेंटेंस में लगाया ही नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि हम दोस्त रहे हैं। ठीक है, हमारी दोस्ती रही है, सो वी हैव बीन फ्रेंड्स, फिर मैंने टाइम भी दे दिया, कब से रहे हैं, सिंस हाई स्कूल। अगर मैं यहाँ टाइम ना दूं तो भी चलेगा कि वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, यार हम तो काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। अब वो दोस्त रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है कि हम अभी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम तो काफी अच्छे दोस्त रहे हैं एक जमाने में, तो मतलब हमारी दोस्ती रही है, वो सेंस आ गया ना, सो वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि कब से, सो वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स सिंस हाई स्कूल, हम तो हाई स्कूल से अच्छे दोस्त रहे हैं। ठीक है, एक ये सेंस समझ में आ गया। तीसरा है, देखो एक है कि मैं सिर्फ इतना यूज करूं वहां पे बीन नहीं आएगा। ठीक है, मैंने अगर ये बोला कि मैं 6 महीनों से उससे नहीं मिला हूं, ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यूटी वाली चीज नहीं है, मतलब आप अगर इसको कॉन्टिन्यू में देखना चाहो, सो वी हैव नॉट बीन मीटिंग, हम नहीं मिल रहे हैं, एक सेंटेंस तो ये आ गया। लेकिन आप इसका दूसरा यूज देखो,
आई हैवंट सीन हिम, मतलब मैंने इस सेंटेंस को, पहला वाला जो है ये एक सेंटेंस मैंने लिया प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में कि मैं उससे नहीं मिला हूं, मैं उससे नहीं मिल चुका हूं इतने टाइम से, ठीक है, कि मैं 6 महीनों से 5 महीनों से उससे नहीं मिला हूं, मैंने उसको देखा ही नहीं है, मैंने उसको नहीं देखा है इतने टाइम से। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा कि आई हैवंट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, मैंने उसको 4 महीनों से 5 महीनों से देखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉन्टिन्यूटी वाली चीज नहीं आ रही है कि कोई चीज हो रही है। अगर आप इसको आई हैव नॉट बीन सीइंग हिम ऐसे भी बनाओगे तो वो भी ठीक है, बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यू वाला सेंस मुझे लग नहीं रहा। तो यहाँ पे सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं ये वाले कि आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 6 मंथ, मैंने 6 महीने उसको देखा ही नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँ कि भाई आई हैव नॉट अपलोडेड अ सिंगल वीडियो सिंस 2012, मैंने 2012 से एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है, ठीक है, मैं नहीं करता हुआ आ रहा हूं, उसका सेंस कोई बनेगा? नहीं बनेगा ना, कि आई हैव नॉट बीन अपलोडिंग वीडियोज, आई हैवंट बीन अपलोडिंग वीडियोज। मैं सिंपल सा बोल दूं कि आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो सिंस तब से, कि मैंने तब से कोई वीडियो अपलोड ही नहीं किया, ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे भी बन जाता है, ठीक। सो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब एक इसका बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट जो कि समझना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, और ये पॉइंट मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज कमेंट मेरे पास आप मान के चलो कि हर 2 दिन में 3 या 4 कमेंट आ जाती है इसी कंफ्यूजन को लेके। ये चीज आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये पॉइंट है पोजेशन का, ठीक है, पोजेशन की जब हम बात करते हैं, पोजेशन का मतलब कोई चीज मेरे पास है, कोई चीज मैं रखता हूं, कोई चीज मेरी है, ठीक है, कोई चीज मेरे पास है, कोई चीज मैं रखता हूं, कोई चीज मेरी है। ऐसे सेंटेंस में हम हैव का यूज करते हैं, ध्यान से सुनो, हैव का यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैंने हैज और हैड के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन हैव का यूज करेंगे और इसी में हैज और हैड आ जाएंगे, कैसे आएंगे वो मैं समझाता हूं। ये सेंटेंस ना, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैंने बता दिया कि मैं एक गाड़ी रखता हूं, ठीक है, मेरे पास एक बंदूक है, मैं बंदूक रखता हूं, मेरा एक भाई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी एक पोजेशन की चीज बता रहा हूँ, ये मेरा भाई है, ये एक चीज अलग है। लेकिन अगर जब मैंने बोला कि ये मेरा भाई है, तो मैं एक सिर्फ वहां पे एक सिचुएशन, एक कंडीशन, एक स्टेट बता रहा हूँ कि ये मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि मेरा एक भाई है, ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक अपना पोजेशन बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, वो वाली चीज आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैं क्या रखता हूं, मेरे पास क्या है, मेरा क्या है, वो वाला सेंस आएगा, पोजेशन वाला सेंस आएगा। अब दूसरी चीज इसके अंदर समझने की कोशिश करो, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो मान के चलो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, कि मैं ये चीज रखता हूं, ताहे ती हूं वाला सेंस आता है। सिर्फ पास होने के लिए, रखने के लिए, पोजेशन के लिए हम हैव का यूज करते हैं। अगर बात पास्ट की चल रही है, ठीक है, मेरे पास ये था, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वहां पे भी हैव का यूज होगा। ये चीज समझो, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मैं एक गाड़ी रखता हूं, ठीक है, मैं एक गाड़ी रखता हूं, तो इसमें डू छुपा हुआ है आई हैव अ कार। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार, समझ में आया। अगर मैं सिंगुलर के बारे में बोलता हूं, उसके पास एक गाड़ी है, तो क्या बनेगा, ही हैज अ कार। अब जो ये हैज है ना, ये हैज और कुछ भी नहीं है, हैव के अंदर डस छुपा हुआ है। जैसे कि मैं बोलूं मैं खाता हूं, आई ईट, ठीक है, ईट के अंदर डू छुपा हुआ है, नहीं खाता हूं, डू नॉट ईट बाहर आ गया, तो डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आता। मैं बोलूं कि वह खाता है, ही ईट्स, तो ईट के अंदर डस छुप गया, क्योंकि ही के साथ डस लगेगा। इससे का नेगेटिव बनाओ, ही डज नॉट ईट, क्योंकि डस बाहर आ गया तो ईट बन गया। सेम मैंने बोला उसके पास गाड़ी है, ही हैज अ कार। अब जैसे ईट में डस छुप के ईट्स बना, ऐसे ही हैव में डस छुप के हैज बना, ही हैज अ कार, ठीक है, उसके पास एक गाड़ी है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, सो ही डज नॉट हैव अ कार आ जाएगा, He does not have a car. He के साथ have लगा हुआ है, क्योंकि does बाहर निकल गया, ठीक है, He does not have a car. इस तरीके से sentence बनेगा। अगर मैं पूछूं क्या उसके पास गाड़ी है, does he have a car? Does he has a car नहीं आएगा, does he have a car आएगा,
ठीक है, क्या उसके पास एक गाड़ी है, ये चीज समझ में आई। अब इसी पोजेशन की अगर मैं पास्ट सेंटेंस की बात करूं तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें डिड लगता है। अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो डिड एक्शन में छुपेगा और एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। जैसे कि मैं बोलूं वो गया था, ठीक है, वो गया था, सो ही वेंट, तो इसमें क्या हुआ, डिड छुप गया गो के अंदर, ही डिड गो आना चाहिए था, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, सो ही डिड गो आना चाहिए था, लेकिन सिंपल में डिड छुप गया गो के अंदर, गो की सेकंड फॉर्म वेंट बन गई, ही वेंट, वो गया था। अब मैंने बोला कि उसके पास एक गाड़ी थी, मतलब वह गाड़ी रखता था, वो वाला सेंस आ गया, सो आना चाहिए था डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, कि ही डिड हैव अ कार, ये आना चाहिए था रखने के लिए, पोजेशन के लिए हैव का यूज, सो ही डिड हैव अ कार, लेकिन सिंपल है तो डिड छुपेगा हैव के अंदर और हैव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वो हैड है, सो ही हैड अ कार। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊंगा, ही डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी नहीं थी, तो ये पॉइंट मुझे लगता है लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। आई होप अब ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आई डिडंट हैव समथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, और मैं बोलूं आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था बट नाउ आई हैव एवरीथिंग, अब मेरे पास सब कुछ है। सो ये जो चीजें होती हैं ये कंफ्यूज करती हैं, हैज हैव हैड का ये वाला जो यूज है ना, ये कंफ्यूज करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट यूज पे आते हैं। अब मैं आपको हैड का यूज बताता हूं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में जो होता है, देखिए पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जब भी आएगा ये सेंटेंस होता है पास्ट का पास्ट, समझने की कोशिश करना, पास्ट का पास्ट कि मतलब पास्ट के मैं किसी एक टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आज बैठ के अपने किसी पास्ट के एक टाइम की बात कर रहा हूं, उससे पहले भी कोई चीज अगर हो चुकी है, ठीक है, उस टाइम से भी पहले अगर कोई चीज हो चुकी थी तो वो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल यही है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब मान लो आप घर पे आए, आपने बोला कि यार मैं जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन तो चली गई थी, तो आप घर पे अभी आए हो, आपने बोला जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो स्टेशन जब आप पहुंचे वो भी पास्ट की बात है, आप स्टेशन पहुंचे 12 बजे, ठीक है, 11:30 बजे ट्रेन चली गई, तो ट्रेन कब गई, उसके भी आधा घंटा पहले, तो जो चीज सबसे पहले हुई वो वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है, और जो चीज उसके बाद हुई, मतलब जिस काम से पहले जो चीज हो गई, पास्ट परफेक्ट वाली चीज जिससे पहले हो गई, वो सेंटेंस आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब 12 बजे आप स्टेशन पहुंचे, यू रीच द स्टेशन, ये आपका सेंटेंस आया पास्ट इंडेफिनिट में। उससे पहले ट्रेन चलेगी, ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन हैड लेफ्ट, वो हुआ आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हैड का यूज होता है और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है। तुम्हारे आने से पहले मैं चला गया था, मतलब हम पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आज बात कर रहा हूं बैठ के कि भाई कल शाम को मैं 8:30 बजे पार्टी में पहुंचा था, तो तुम मुझे दिखे ही नहीं, और मैं बोलूं भाई तुम 8:30 बजे पार्टी में आए थे, मैं तो 8 बजे चला गया था, ठीक है। सो व्हेन यू केम इन द पार्टी, ये वाला सेंटेंस जो पास्ट में काम हुआ, व्हेन यू केम इन द पार्टी एट 8 or 8:30, आई हैड लेफ्ट, मैं जा चुका था एट 7:30, ठीक है। सो जो पास्ट के काम से भी पहले हुआ वो सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट, और वहां पे हैड का यूज होता है, ठीक है। इस चीज में कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी, क्योंकि पास्ट के उस सिचुएशन में पहले जो काम हो गया उसका इंपैक्ट था कि मैं स्टेशन जब पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो पास्ट में हो क्या काम है, मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो मेरे पहुंचने पे उसका इंपैक्ट था, क्या था, ट्रेन वहां थी नहीं, ट्रेन तो जा चुकी थी। तो एक पॉइंट इस सेंटेंस में ना, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में मोस्ट हमेशा आपको यही चीज मिलेगा कि दो सीन होंगे, एक पास्ट का और एक उससे भी पहले का, ठीक है, ऐसे होंगे, ठीक है। सो ये आपके होते हैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस। इसके आप एग्जांपल आप सोचो, आप एक पास्ट का कोई भी सीन उठाओ, ठीक है, और उससे भी पहले कोई चीज हो गई, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले टीचर आ गए थे, मैं ऑफिस पहुंचा उससे पहले हमारा बॉस आ गया था,
ठीक है, सो माई बॉस हैड कम, अब ये कम की थर्ड फॉर्म कम है, सो माई बॉस हैड कम व्हेन आई रीच्ड, ठीक है, व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस, तो व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और उससे भी पहले क्या हुआ, मेरा बॉस आ चुका था, तो माई बॉस हैड कम, ठीक है, ये सेंटेंस बना आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक, तो ये हो गया हैड का यूज। नेक्स्ट देखते हैं, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव का यूज हम खाने के लिए भी करते हैं, यू वांट टू हैव समथिंग, क्या कुछ खाना चाहते हो, ठीक है, आई वांट टू हैव समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूं, इस तरीके से हम हैव का यूज भी करते हैं, ठीक है। अब आपने ये चीज देखा होगा, हैव हैड, हैड हैड, इस चीज के ऊपर आते हैं। अब मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, कैसे बनेगा, आई हैव ईटन द फूड, ठीक है, आई हैव ईटन द फूड, अगर मैं ईट की जगह हैव का यूज करूं, ठीक है, खाने के लिए हैव का यूज करो, सो आई हैव हैड द फूड, तो ये जो हैड लगा हुआ है ये हैव की थर्ड फॉर्म है और ये एक्शन है, ना कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो पहले वाला हैव है, कि आई हैव हैड द फूड, कि मैं खाना खा चुका हूं। सेम पास्ट परफेक्ट की बात करें कि जब तुम आए थे मैं खाना खा चुका था, ठीक है, सो मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन द फूड, या फिर आई हैड हैड द फूड, ठीक है, ऐसे। सो जो सेकंड वाला हैड है ये एक्शन की थर्ड फॉर्म है, ईट की जैसे ईटन, खाने के लिए मैंने हैव लगाया, उसकी थर्ड फॉर्म हैड, सो आई हैड हैड द फूड व्हेन यू केम, जब तुम आए, तो दूसरा सेंटेंस जो है वो बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में, व्हेन यू केम आई हैड हैड द फूड, ठीक है, ये इस तरीके से बना। तो आई होप ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी, अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी चीज है, कमेंट बॉक्स में जाना, वहां लिख देना, मैं देख लूंगा, वहां से रिप्लाई आपको कर दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, थैंक यू।